अब खबर सुमेरपुर से है, जहां बीजेपी के सोशल मीडिया प्रदेश सह प्रभारी शैलेश घांची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाली जिले के सुमेरपुर के जवाई सेंचुरी आने का न्योता दिया है। इसके तहत ही प्रदेश सह प्रभारी शैलेश घांची ने कहा कि प्रधानमंत्री भारत के विभिन्न अनदेखी जगहों पर जाकर उन जगहों को विशेष पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बना देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे ही अगर प्रधानमंत्री सुमेरपुर के समीप जवाई सेंचुरी अगर दौरा करते हैं तो न सिर्फ जवाई सेंचुरी के पर्यटन में वृद्धि होगी बल्कि आसपास से जुड़े गांवों और शहरों में रोजगार भी बढ़ेगा। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी टूरिस्ट को लेकर और टूरिज्म को लेकर बहुत फोकस्ड है। भारत के बहुत सी ऐसी अनदेखी जगह है जहां पर प्रधानमंत्री जी ने खुद विजिट किया है और उस जगहों को विश्व को दिखाया है। भारत की संस्कृति है, भारत की धरोहर और भारत की जो प्राचीन चीजें हैं वो प्रधानमंत्री जी के विजिट करने के बाद उस जगहों की डिमांड बढ़ गई है और विश्व से लोग आके उन चीजों को देख रहे हैं। लक्षद्वीप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भारत का एक अनडिस्कवर्ड प्लेस था, इतने टूरिज्म नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद वहां पर टूरिस्टों की बाढ़ आ गई। तो मैं वैसे ही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे जवाई सेंचुरी पधारे, वहां की खूबसूरती को देखें, जवाई बांध का निरीक्षण करें और उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि जवाई की खूबसूरती देखने के बाद प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि ये एक ऐसा प्लेस है जो ज्यादा लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यहां पर टूरिज्म की एक बहुत बड़ी संख्या में लोग पधारेंगे और यहां के आसपास के गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो मेरा यही चीज को लेकर प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है और मैंने पत्र के माध्यम से उन्हें न्योता दिया है कि वो एक बार पधारे और जवाई बांध की और जवाई सेंचुरी की खूबसूरती को देखे। तो इससे हमारे पाली और सुमेरपुर और पूरे प्रदेशवासी जो वन्य जीवों को लेकर और वन को लेकर बहुत ही ज्यादा इन चीजों को बहुत जागरूक है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से निवेदन यही है कि वो एक बार पधारे और जवाई सेंचुरी का निरीक्षण करें और वहां पर आकर उनकी खूबसूरती को और जवाई की जितनी भी वन्य जीवों की लाइफ है और हमारे जो राजस्थान के जो ग्रामीण दिनचर्या है उसका एक बार वो आके अपने आंखों से निरीक्षण करें।